The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो दोस्तों हम हाजिर हैं और एक बेहतरीन मूवी के साथ जो कि एक अंडररेटेड जेम है। ये मूवी 2020 पे Netflix में रिलीज हुआ था। इसका नाम है द सीरियस मैन। इस मूवी में मेन किरदार में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और मूवी का प्लॉट थोड़ा नया है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं देखा होगा। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखते वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्वीट से कमेंट छोड़ दीजिए। चलिए शुरू करते हैं सीरियस मैन का एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरुआत में हम आयान को देखते हैं और उसकी वाइफ ओजा को, जो कि एक बस्ती में भाड़े में रहते हैं। वो दोनों अभी इंटीमेट हो रहे थे और आयान को ये जिंदगी बिल्कुल नहीं पसंद था। आयान इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है एज ए क्लर्क और वो उधर डॉक्टर अरविंद के पर्सनल असिस्टेंट भी होते हैं। आज डॉक्टर अरविंद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वो एलियन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मीटियोर जो गिरते हैं उनमें छोटे छोटे एलियंस होते हैं, उसके ऊपर वो रिसर्च वगैरह कर रहे थे। आज उसको मंत्री के सामने उनको सबमिट करना होता है और उनके प्राइवेट केविन के ठीक सामने बैठता है आयान, जो कि सब कुछ सुनता है उसके अंदर क्या बातचीत होता है और सारे बातचीत को वो रट लेता है। बहुत टाइम से वो क्लरिकल जॉब तो कर रहा है पर स्पेस के बारे में उसको बहुत कुछ पता है। मंत्री को जब अरविंद प्रेजेंटेशन कर रहा होता है, मंत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मंत्री अपने पीए से पूछ रहा था कि एलियन क्या होता है, वो क्या हमारे ऊपर हमला करेगा। तो अरविंद बोलता है वो छोटे छोटे माइक्रोन्स जैसे होते हैं, उनसे बहुत सारे बीमारियां भी फैल सकते हैं, उनसे हम दवाई भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए वो फंड चाहता था पर मंत्री बोलता है सोच के बताऊंगा। और इधर मनी मन आयन बोल रहा होता है कि टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है सर, इतने मेहनत से सब कुछ ढूंढ रहे थे, रिसर्च कर रहे हैं और इनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन अरविंद अपने वाइफ को लेके एक पार्क में जाता है जहाँ पर उन दोनों के अंदर बात होता है। अरविंद बोलता है मैं मेरे बेटे को बहुत अच्छी लाइफ दूंगा, ऐसे घिसी पिटी लाइफ नहीं दूंगा, एक खोली में उसको जिंदगी बिताने मैं नहीं दूंगा। ओजा बोलता है औकात में रहो, तुम एक क्लर्क हो। अरविंद बोलता है मैं सब कुछ बदल दूंगा, तू चिंता मत कर, तू कभी खुश क्यों नहीं होती मुझसे। ये आयान जो है बहुत स्मार्ट है, हर जगह बहला फुसला के वो कहीं ना कहीं खुद का प्रॉफिट ढूंढ ही लेता है। अभी वो बोल रहा था ओजा मैं तुझे 5-star होटल में लेके जाऊंगा, तो होटल में जब चेक इन के अंदर वो जाता है ना, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट वगैरह की बातें वो करने लगता है। ऐसा दिखाता है कि किसी कंपनी का वो हेड है या किसी कंपनी में वो बहुत अच्छे पोजीशन में है और होटल के स्टाफ को भी लगता है कि ये बहुत बड़ी आदमी है और होटल के अंदर उनका जरूर रूम होगा, इसलिए उनको अंदर जाने देते हैं। और होटल के पूल साइड में जाके ओझा को बोलता है तू देख रही है हमारा लाइफस्टाइल कैसा है और जो छोटे छोटे बच्चे अभी अंदर खेल रहे हैं ना वो 5G जनरेशन है, हम 2G है। हमारे बच्चे जो होगा वो डायरेक्ट 5G में आएगा, उनको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो बस बैठ के खाएंगे और इंजॉय करेंगे। और होटल के स्टाफ को बुला के वो बोलता है कि मुझे थोड़ा बियर चाहिए और मैम के लिए कॉफी लेके आओ। जब होटल के स्टाफ पूछता है सर आपका रूम नंबर क्या है, वो बोल देता है 272 मेरा रूम नंबर है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो बियर और कॉफी मंगा लेता है। थोड़ी टाइम बीतने के बाद होटल वाला फिर से आता है मैनेजर के साथ और बोलता है सर आपका तो कोई रूम नहीं है। तभी आयान तुरंत ही अपने स्टेटमेंट बदल देता है और बोलता है मैंने तो 772 बोला था। इतना सब कुछ जब हो रहा होता है तब ओजा का अचानक से लेबर पेन होने लगता है। उसका बच्चा डिलीवरी होने वाला था और ये लास्ट मंथ था। जितना लेबर पेन और दर्द हो रहा था ओजा को, आयान को सही लगा कि पूल साइड में ही उसका बच्चा होगा। तब उधर टॉवल वगैरह पकड़ने के बाद उसका बच्चा उधर 5-star होटल में ही होता है। उन लोगों का बच्चा होने के बाद आयान बहुत ही खुश होता है। वो सोचता है आज तो वो खोली में है पर इस बच्चे के बदौलत वो बाहर निकलेगा, वो बाहर बहुत अच्छी लाइफस्टाइल लीड करेगा। इसलिए जब आदि छोटा भी होता है तब उसके इर्द गिर्द वो एस्ट्रोनॉट वाले बातें करना, पेपर पढ़ना, सब कुछ वो करता रहता है कि बच्चा जब बड़ा हो थोड़ा स्मार्ट हो। जब आदि थोड़ा बड़ा होता है उसकी स्कूल भर्ती करने की बारी आता है तब आयान अच्छा खासा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसे लेके जाता है और बोलता है डॉक्टर अरविंद का रिकमेंडेशन है। इससे पहले बता दूं अरविंद आयान को उतना पसंद नहीं करता था, उसको ह्यूमिलेट करता था, उसके ऊपर चीख दिया करता था क्योंकि आयान को उतना ज्यादा कुछ नहीं आता था, वो बहुत कुछ प्रिटेंड करता था और अरविंद बहुत ही बिजी और एरोगेंट था। जब प्रिंसिपल के सामने आदि का इंटरव्यू लिया जा रहा था आदि कुछ आंसर नहीं दे पा रहा था, वो कलर भी अच्छे से नहीं पहचान पा रहा था। तभी आयान बोल देता है कि आइंस्टाइन को भी ये नहीं आता था, वो बहुत बड़े जब हुए थे तब उसको ABCD लिखना आया था, तो हो सकता है कि आदि के केस में भी यही हो, वो एक जीनियस है मैम। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं डॉक्टर अरविंद ने हमको कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं दिया था और उन लोगों को बाहर वेट करने के लिए बोलते हैं। तब आयान सुनता है कि अंदर डिस्कस हो रहा था कि डॉक्टर अरविंद ने जो पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया था कि मैं बता दूंगा तुम्हारे बच्चे को भर्ती ले ले, ये तो सही में आ गया। और वो लोग ये भी बोल रहे थे कि डॉक्टर अरविंद ने ये बोला है कि मेरिट के बेस पे ही एडमिशन हो, कोई भेदभाव ना हो, उसको कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है। फिर आयान अपने बच्चे को और बीवी को लेके उधर
से चला जाता है और अपनी बीवी को बोलता है मेरिट के बेस पे होना है ना, एक दिन उसको मेरिट के बेस पे ही वो लोग लेंगे। फिर कुछ टाइम बीत जाता है और हमको आदि को दिखाया जाता है जो कि अभी विंडो की तरफ देख रहा होता है और टीचर उससे पूछता है आदि तुम विंडो के बाहर क्या देख रहे हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, फोटोसिंथेसिस के बारे में तुमको क्या पता है। फिर आदि फोटोसिंथेसिस के बारे में इतना लंबा चौड़ा जवाब देता है कि टीचर भी शॉक हो जाता है, वो इतना कुछ बोल देता है कि उसके ऊपर रिसर्च थीसिस पेपर वो लिख पाए। और आदि बोलता है मैम आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और टीचर के पास भी कुछ आंसर नहीं था, वो बोलता है तुम अपने टीचर से ऐसे बात करोगे, उनको उल्टा क्वेश्चन करोगे, मैं तुमको प्रिंसिपल के सामने लेके जाऊंगा। और आदि को सब लोग घूरते रहते हैं और मानने लगते हैं कि आदि एक जीनियस है। प्रिंसिपल के रूम में फिर हम आयान, ओजा और आदि को देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है आयान के साथ। प्रिंसिपल बोलते हैं हम चाहते हैं कि आदि को हम डायरेक्टली 9 स्टैंडर्ड पे डाल दें क्योंकि उसका IQ बहुत ही हाई है, और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अच्छे स्कूल का बच्चा है, हम उसको ध्यान में रखेंगे, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, उसको अच्छी प्रायोरिटी मिला जाए, और उसके आज से स्कूल का सारा खर्चा हो गया, एक्स्ट्रा वर्क सब हम स्कूल ही देंगे। तभी आयन बोलता है आपको याद है मैम 2 महीने पहले आपने बताया था कि मेरे बच्चे का मेरिट से होगा, और आपने 2 महीने बाद मेरे बच्चे को बुला लिया। मेरे पास आदि के बहुत सारे अवार्ड है जहाँ पर वो लगातार फर्स्ट आया है, जहाँ पर उसने अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स को क्रैक किया है और उसको एक जीनियस बच्चे का टैग दिया गया है, मैं किसी भी स्कूल में जाऊँ ना को लेने के लिए बैठे हुए हैं, और ऊपर से आदि को स्टाइपिंड भी देने वाले हैं। तभी प्रिंसिपल भी बोलते हैं हम भी उसको स्टाइपिंड देंगे, आप चिंता मत करो, मैं जीनियस माइंड को हमारे स्कूल से नहीं जाने दूंगा। और ओजा नीचे जाके अपने बच्चे को समझाती है कि इतना भी घमंड अच्छा नहीं है, तेरे पास नॉलेज है उसका घमंड मत कर। फिर हम अरविंद के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर एक हायर अथॉरिटी का ऑफिसर आके अरविंद से बोलता है फंड तो अभी कम है, मैं मिनिस्टर से बात करने की कोशिश करता हूँ। और उस दिन आदि का इंटरव्यू होता है चौल में, इसलिए आयन भी चाहता है जल्दी जल्दी घर पहुंच जाए। वो अरविंद सर से जाके बोलता है सर आज मेरा बेटा का इंटरव्यू है, आप चाहे तो एक बार आ सकते हो। तब अरविंद उस पर चीख देता है ये बोल के कि इतने छोटे छोटे बातों के ना मेरे पास टाइम नहीं है, यू मोरॉन तुम चले जाओ ऑफिस से। आयन जब घर आता है वो देखता है प्रेस वाले उसके घर के इर्द गिर्द घूम रहे थे, वो जा आदि को समझा रही थी कि बेटा अच्छे से सब कुछ का आंसर देना। तब आयन आता है और उसको लेके वो बाथरूम में चला जाता है, और वो बाप बेटे कुछ खुसर फुसर करके बात करते हैं। आदि को कान में सुनाई देने में भी प्रॉब्लम होता था इसलिए उसने ईयरपीस पहना था, पर इसमें ही रहस्य छुपा हुआ है। इंटरव्यू शुरू होता है, इंटरव्यूअर जो भी पूछता है आदि बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसका 2-3 स्टेप आगे जवाब देता है, ये तक की बोल देता है कि तुम्हें इतना नहीं पता इडियट, तुम ये क्वेश्चन मुझे क्यों कर रहे हो, तुम्हारे जैसे यूजलेस ब्रेन के साथ मैं ये डिस्कस नहीं कर सकता। उसका इंटरव्यू देख के आयन बहुत ही खुश होता है। और फिर जब इंटरव्यू खत्म होता है चौल के बाकी लोग छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि आदि तुम्हारे साथ एक सेल्फी मुझे चाहिए। वो सब कुछ देख के आयन मनी मन बहुत खुश होता है और उसको रास्ता दिखने लगता है कि इधर से वो कैसे निकलेगा। ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं, आयन ऑफिस से आके देखता है कि ओजा टीवी देख रही है और रो रही है। वो पूछता है कि आदि किधर है, ओजा बोलती है कि आदि मार्केट एरिया में खेलने के लिए गया है। आयन जाके देखता है कि वो एक दुकानदार से बात कर रहा होता है, जहाँ पर एक दुकानदार बोल रहा है मैं टैक्स कैसे कम करूँ आदि जरा बता दे, और आदि उधर कन्फ्यूज खड़ा हुआ था, कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस मीटियर के बारे में बात किया जा रहा था। तब आयन उधर जाता है और बोलता है क्या तुम टैक्स वैक्स लेके आ गए, ये तो बहुत छोटी चीज है आदि के लिए, और इसके लिए तो आदि सर्विस चार्ज भी लेता है, बाद में कभी वो देख लेगा। और आदि को लेके उधर से वो चला जाता है। फिर आदि और आयन एक साथ होते हैं और आदि बोलता है पापा उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तभी आयन बोलता है ये बेटा मेरे सामने तुमने बोल दिया, कभी किसी के सामने नहीं बोलना, तुम्हें पता है ना हमारा सीक्रेट, तुम्हें भले किसी चीज के बारे में ना पता हो तुम क्या बोलना, तुम जैसे वीक माइंड के साथ मैं इस तरीके का डिस्कस नहीं करना चाहता, इससे तुम्हारा जो इमेज है वो बना रहेगा। और ये सब कुछ एक खेल होता है, जहाँ पर आयन ब्लूटूथ के थ्रू आदि से बात करता है और उसे सब कुछ बताता है, जहाँ पर आदि उतना भी इंटेलिजेंट नहीं होता, इंटेलिजेंट बनाने के पीछे हाथ होता है आयन का, पर आयन ने इमेज नहीं तोड़ना चाहता। देखो एक चौल में जीनियस बच्चा होगा, सब लोग उसके इंटरव्यू लेंगे, लोग उसके साथ फोटो खींचेंगे, तो उधर पॉलिटिशियन तो जरूर इन्वॉल्व होंगे। तो यह है केशव और उसकी बेटी अनुजा। केशव आके बोलता है तेरा बेटा अंबेडकर है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये बहुत आगे जाएगा, हम इसको आगे लेके जाएंगे। तभी आयन को भी लगने लगा है कि आदि सही जगह जा रहा है, पर गलत संगत में वो ना चला जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है वो बहुत गंदा हो जाता है। और अनुजा बाहर से MBA करके आई है, उसको बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, और वो चाहती है कि आगे जाके वो पापा के साथ पॉलिटिक्स में ही घुस जाए। और उस दिन चौल में बप्पा का उद्घाटन भी होता है। उद्घाटन वगैरह सब कुछ हो जाने के बाद अनुजा आयन को बुलाती है गाड़ी में। अनुजा आयन से बोलती है तुम्हें तो पता है पॉलिटिशियन किसी भी चीज को फ्री में नहीं करते, वो लोग कुछ न कुछ जरूर लेते हैं, ये तो हमारा आज का टिपिकल इमेज है, जो कि सबको लगता है हम कुछ न कुछ उनके लिए कर रहे हैं तो वो मतलब के लिए कर रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ये चौल को रिडेवलपमेंट करना चाहता हूँ, पर मेरे बोलने से या मेरे पापा के बोलने से कोई साइन नहीं करेगा, हो सकता है बहुत कम परसेंटेज करे, पर अगर तुम्हारा बेटा करता है तो ये जरूर हो पाएगा। जैसे तुमको सचिन तेंदुलकर के बारे में तो पता ही होगा, सचिन तेंदुलकर एक एक्सीलेंस का नाम है, वो जिस किसी का भी एड देता है वो ब्रांड आगे जाता है,
है। वो क्या अच्छा गाड़ी बनाता है जो फरारी का एडवर्टाइजमेंट करता है, पर सचिन तेंदुलकर मतलब एक्सीलेंस, भरोसा, इसीलिए लोग उसको खरीदते हैं, जैसे आदि है। और ऑफिस में भी आयन को बुलाया जाता है और बाप बेटी बोलते हैं कि तुमको हम खोली से निकाल के एक अच्छा खासा फ्लैट देंगे जो कि सबसे बड़ा होगा और ऊपरी मंजिल पे होगा, और बाकी पैसे वगैरह का तो तुम चिंता मत करो, वो तो आगे देंगे, तुम बस साइन करवा लो आदि से, एक स्पीच हम रेडी करेंगे जो तुमको सब चौल वालों के सामने आदि से बुलवाना पड़ेगा। और आयन को मानो रास्ता और दिखने लगा था, उसको दिखने लगा था कि इधर से निकल के वो अच्छी लाइफस्टाइल जिएगा, और आदि को वो सब रटा लेता है और कान में ब्लूटूथ हेडफोन भी डाल देता है, और आदि चौल वालों के सामने अच्छे से स्पीच भी दे देता है ये बोल के कि हमने जिंदगी अगर इधर शुरू करेंगे हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसी के साथ और सारे सेंटिमेंटल वाले बातें भी वो करता है कि आपके पिताजी मजदूरी करते हैं, कोई ड्राइवरी करते हैं, हम इससे कितने आगे जाएंगे, देखो हमारे लिए कितना अच्छा सोचा जा रहा है, आप लोग साइन कर दो, रीडेवलपमेंट होगा, फ्री में हमको घर मिलेगा, कितना अच्छा, फलाना डिमकाना वो बताता है, बाकी सारे लोग राजी हो जाता है। ये होता है व्हाइट वॉश, जो कि आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। और सारा ये स्पीच आदि का नहीं था, ये था आयन का, जो कि ऊपर बैठ के ब्लूटूथ में बोल रहा होता है और आदि अपने ईयर पीस में वो सुन के रट के वो बता रहा होता है। फिर उस दिन रात को आयन और ओजा जब इंटीमेट हो रहे थे, आदि को उन्होंने बोला कि थोड़ा बाहर जाके खेलो। आदि बाहर जाके देखता है कि सहेली को घर में मार पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम में उसको बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं और आयन को मिले हैं 50 में से 50 मार्क्स। और सहेली की माँ सहेली से बोलती है, तू तो सारा टाइम आदि के साथ ही घूमता है, तेरे दिमाग में क्यों कुछ नहीं घुसता, और उसको घर से बाहर निकाल देती है। आदि को सहेली को देख के बहुत ही खराब लगता है और सहेली छत पे जाके कबूतर को दाना डाल रही थी और रोते हुए आदि से बोलती है, तेरे साथ मैं घूमता हूँ पर तेरे से मैं कुछ नहीं ले पाता, तू बहुत ही इंटेलिजेंट है। आदि तब बोलता है, तू अपना दिल मत छोटा कर, मुझे भी उतना कुछ नहीं आता, सब कुछ पापा को आता है। तब वो अपना सीक्रेट सहेली को बोल देता है, आखिर में हेतु वो बच्चा है ना, वो बोलता है मेरे पापा पेपर्स मेरे लिए एक हफ्ते पहले ही ले आते हैं और वो मैं रट लेता हूँ और एक हफ्ते में मेरे अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं और मैं क्लास का टॉपर बन जाता हूँ। पर सहेली तू ये किसी को मत बोलना, मैं तुझको पेपर ला के दूंगा, तू भी अच्छा मार्क्स लाएगी, तू तेरे मम्मी पापा को बता दे, तू किसी को बताएगी तो नहीं ना। सहेली तब कन्फ्यूज हो जाती है, तभी उसके पापा बुलाते हैं और बोलते हैं घर आ जाओ, खाना रेडी हो गया है। सहेली उठ के चली जाती है। और अगले दिन सुबह आयन जब चाय बना रहा होता है, आदि बोलता है, पापा अगर हम हमारा सीक्रेट बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करें तो क्या कुछ हो सकता है। तभी मानो आयन के पैरों तले जमीन खिसक गया था, वो आदि से आके अच्छे से पूछता है। तब वो आदि बोलता है, मैंने सहेली को बताया है। तब आयन आदि से बोलता है, तुम्हें पता है मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड कौन है, तुम्हारी माँ ओजा, पर मैंने उसी को भी नहीं बताया, ये तुम्हारा और मेरा सीक्रेट है, ये कहीं पर भी बाहर नहीं जाना चाहिए। सुबह आदि स्कूल बस में सहेली के सामने पिटन करता है कि उस दिन रात को उसने जोक मारा था, पर सहेली उससे एक मैथ प्रॉब्लम पूछ लेता है। तब आदि कुछ नहीं बोल पाता। तब सहेली कन्फर्म हो जाती है कि आदि कोई जीनियस वीनियस नहीं है, स्कूल के सारे बच्चे के सामने भी उसे ह्यूमिलेट किया जाता है, जो सहेली करती है। जब घर आके आदि आयन को सब कुछ बताता है, तब आयन डिसाइड करता है कि सहेली से वो खुद निपटेगा। तो सहेली को वो एक पेस्ट्री का बॉक्स देता है और ऊपर छत पे लेके जाता है। लेके जाने के बाद सहेली को वो स्टोरी सुनाता है, नीचे तुझको रॉजर पता है ना, वो अपने बीवी को बहुत मारता है, उसका जॉब चला गया है, इसलिए रोज घर में मारा मारी होता है, बच्चे को भी मारते हैं, वो लोग अच्छे से खाना भी नहीं खा पाता। उस दिन देखा ना उसकी वाइफ को उसने कितने बेरहमी से मारा था, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। तू भी चाहता है क्या तेरे घर में ये सब कुछ हो, तुझे पता है ना मेरे पीछे मंत्री का हाथ है और मेरी कितना चलता है मेरे ऑफिस में, मैं एक क्लर्क हूँ, तेरे पापा मेरे बहुत नीचे काम करते हैं, अगर मंत्री को बोला ना तेरे पापा को भी जॉब से निकाल देंगे, फिर वो तेरे आय को मारेगा, तुझको भी मारेगा, खाना भी नहीं मिलेगा, तू चाहता है क्या ये सब कुछ। तब सहेली बोलती है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आदि के बारे में, मैं मेरा मुंह बंद रखूंगा। धीरे धीरे आयन इस दलदल से निकलने के लिए खुद कितने नीचे गिर रहा था उसे भी नहीं पता था। उसके अगले दिन आचार्य के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि उस दिन वो अनाउंसमेंट करने वाला था कि मीटियर में उसको एलियंस मिल चुके हैं। पर उसके सेक्रेटरी बोलते हैं, सर अभी तक हमको कोई सैंपल नहीं मिला। आचार्य बोलते हैं, अगर हम ये नहीं करते मिनिस्ट्री से फंड रिलीज होंगे तो हम और भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, पहले दो कैप्सूल हमारे लिए फेल हो चुके थे, ये हमारा लास्ट चांस है, हमको साइंस के लिए करना पड़ेगा, तुम नकली डेटा मेल कर दो। और आयन को बुला के बोलते हैं, वो डेटा प्रिंट करके मेरे पास ले आना। और आयन इतने टाइम तक इन लोगों के साथ रहने की वजह से उसको भी समझ में आ चुका था कि आचार्य फ्रॉड कर रहा है, उसको कोई भी सैंपल वगैरह नहीं मिला है, वो इतना तेज तो था कि वो इस सब चीजों को समझ पाए और उसको लगा था यही सही मौका है उसके बेटे का बदला लेने के लिए। स्कूल में उसके बच्चे की एडमिशन के लिए आचार्य ने उसको हैरास किया था, ये बोला था कि पीछा छुड़ाने के लिए उसके बच्चे के लिए मैंने बोल दिया था कि उसका एडमिशन करवा दो। फिर क्या था, आयन वो डेटा जाके उस सेक्रेटरी को दे देता है और वो पूरा चीज को एक्सपोज कर देता है और बीच कॉन्फ्रेंस में ही आचार्य को रोक दिया जाता है और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है अपने पोस्ट से। देखते देखते बहुत दिन बीत जाते हैं और आदि के स्कूल पे फंक्शन होता है, जिस दिन स्कूल के ट्रस्टी डॉक्टर अरविंद उधर आने वाले होते हैं।
जब आयन को यह पता चलता है, उसे कंफर्म हो जाता है कि अरविंद आचार्य जरूर उसके बेटे के साथ बात करेगा, क्योंकि एक जीनियस दूसरे जीनियस से बात करता है। उसके बेटे को वो बहुत तैयार करता है और सब कुछ सिखा देता है, पर रटे हुए नॉलेज को एक कमरे के अंदर एक जीनियस के सामने तुम डिफेंड नहीं कर पाओगे। जब आचार्य एक के बाद एक क्वेश्चन पूछता है, आदि हक्का बक्का रह जाता है और लास्ट में जब पूछता है कि न्यूटन के फिफ्थ लॉ के बारे में तुम्हें तो पता ही होगा, जो कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर है, और आदि हामी में हाँ भरता है। तभी उसका चोरी पकड़ जाता है और आयन को आचार्य बुला के बोलते हैं, न्यूटन के कितने लॉ होते हैं? जब तुम्हारे बेटे को मैंने फिफ्थ लॉ पूछा, उसने हामी में हाँ भरा, न्यूटन का सिर्फ 3 लॉ है, ये तो तुम्हें भी पता होगा। और उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और बोलता है, तुम लोग फ्रॉड हो। तब आयन भी स्मार्टली मूव दिखाता है और ये बोलता है, मैं आपको आपकी पोस्ट दिला सकता हूँ, आप चिंता मत करें, मिनिस्टर से मेरी अच्छी खासी जान पहचान है। सेक ऑफ साइंस, प्लीज चुप रहिए, आपको पोस्ट मिल जाएगी, मेरे बेटे को थोड़ा इज्जत, हम इस दलदल से निकलना चाहते हैं सर, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आचार्य भी इस बात से मान जाता है। लास्ट में आयन फिर जाता है मिनिस्टर के ऑफिस में और उसके बेटी को कॉन्विंस करने की कोशिश करता है। की बेटी बोलती है कि फिर से एक स्पीच रेडी करो, क्योंकि बहुतों ने अभी तक साइन नहीं किया है, आदि के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालो, उसको थोड़ा प्रिपेयर करो। और आयन घर जाता है, उसको खरी खोटी सुनाता है ये बोल के, हर टाइम तेरे साथ मैं नहीं रहूंगा, ब्लूटूथ के भरोसे तू मत रहे, तू क्या इतना डफर है, ये कुछ याद नहीं कर पाता? और उसके ऊपर चीखता चिल्लाता है, उसको खाना भी नहीं देता। और अगले दिन जब स्टेज में स्पीच देने की बारी आती है, आदि तो पहले बहुत कुछ सही बोल रहा था, पर लास्ट में वो घबरा जाता है और जोर से रो देता है, उसको हेलुसिनेट हो रहा था, इतना पढ़ाई का प्रेशर वो नहीं ले पा रहा था। और दूसरी तरफ आचार्य को वो सुपीरियर बता देता है कि तुम्हारे एम्प्लॉय आयन ने ही मुझे बताया था, पर तुम्हारे लिए मेरा फुल रिस्पेक्ट है, तुम फंड मांग रहे हो, मैं तुमको फंड दूंगा, पर ये चीटिंग करके नहीं। जब आचार्य को ये पता चलता है, वो सीधा एक लेटर लिखता है मिनिस्टर के पास कि इनके पास कोई टैलेंट नहीं है, बाप बेटे मिलके सबको बेवकूफ बना रहे हैं, कोई जीनियस वीनियस ये लोग नहीं है। और ये लेटर मानो आयन के जीवन में भूचाल लेके आया था। पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते। वो आयन को और उसके बेटे को बहुत भद्दे भद्दे गालियां देता है ये बोल के, 1500 साइन मुझे चाहिए, नहीं तो तेरा पूरे परिवार को मैं काट डालूंगा, अब तू देख तू क्या करेगा, अगर तेरे और तेरे बेटे का ये फ्रॉड सामने आया तो हमारा प्रोजेक्ट भी फ्रॉड लगेगा, हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट है, अगर ये बंद हो गया ना, तू देख ले, तेरी खैर नहीं है। आयन एक पिज्जा लेके घर में आता है और देखता है कि आदि रो रहा होता है, ये बोलते हुए, पापा मैंने आपके लिए सब कुछ खराब कर दिया है, हम इधर से निकलेंगे, मैं सब कुछ याद करूंगा, आप चिंता मत करो। और सारा स्पीच वो सब कुछ याद कर रहा होता है, वो कुछ अनावश्यक बोले जा रहा था साइंस का। आयन को तब रियलाइज होता है उसने अपने बेटे के साथ बहुत नाइंसाफी किया है, खुद के ड्रीम के लिए अपने बेटे को इस्तेमाल उसने किया है, आज उसके बेटे की हालत उसके वजह से है। आदि इतना घबरा चुका था कि उसने पैंट में भी सूसू कर दिया था, उसका हालत एकदम ठीक नहीं था। फिर अगले दिन आयन आचार्य सर से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, वो आके बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है पॉलिटिशियन मुझे छिट दे सकते हैं, मैं आदि के बारे में सब कुछ बता दूंगा, वो कोई जीनियस नहीं है। तभी आयन बताता है, सर आप ये फोटो देख रहे हो, ये मेरी और मेरी माँ की है, मेरा बेटा कोई जीनियस नहीं है, पर मैं मेरी कहानी कुछ आपको बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में एक फोटोग्राफर आया था जो कि विदेशी था, उसने बोला था जिस माँ बेटे का अच्छा फोटो आएगा उसको हम 10,000 रुपए देंगे। तब मेरे बाबा ने मेरे माँ को भेज दिया था प्रेग्नेंट हालत में ही फोटो खींचने के लिए, घंटों वो खड़ी रहती थी। जब फोटोग्राफर ने फोटो खींचा उसने बोला, तुम्हारा फोटो बहुत सही है पर तुम 2-3 किलो अगर कम कर लेते तो अच्छा होता। तब मेरा भाई मेरे माँ के पेट में ही था, पर पता नहीं सर एक हफ्ते में ही मेरी माँ की वजन 5 kg कम हो गई। मेरे पापा को हो सकता था पैसे की बहुत जरूरत थी, मेरे माँ को वो खाने के लिए भी नहीं देते थे अच्छे से। 5 kg कम होने की वजह से फोटोग्राफर ने फोटो तो खींच ली, कोपेनहेगन में जाके उसको $2,00,000 का प्राइज भी मिला, इसीलिए उसने 10,000 की जगह हमको 20,000 रुपए भिजवाए। तब तक मेरी माँ और भाई मर चुके थे। मेरा भाई और माँ का मरना और उस 20,000 रुपए की वजह से आज मैं इस जगह हूँ कि आपके नीचे एक असिस्टेंट के काम में कर रहा हूँ। मैं आदि को वो जिंदगी नहीं देना चाहता सर, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से पढ़े, अच्छी जगह जाए। इस खोली में कैसे मिल सकता है सर वो? मैं हमेशा आपका रिस्पेक्ट करता हूँ सर, आप एक ट्रूली जीनियस हो। मैं आदि को हमेशा बोलता हूँ, सर की तरह तू बन, मैं तेरा जितना भी मदद करूँ, पर तू घर आके उसको पढ़, उसको सीख, सर की तरह तुझे बनना है। ये सब कुछ सुनने के बाद मानो आचार्य को भी दया आता है और वो आयन की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। वो बोलता है ये सीक्रेट सिर्फ हमारा ही रहेगा, और आयन के साथ वो जाके स्कूल वगैरह में फोटोज वगैरह भी खींचते हैं और लॉयलिटी फिर से आदि की वापस आता है। पर आयन के मन में मानो दूसरा कोई बैटल चल रहा था। फिर से एक स्टेज ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पर आचार्य जी, मंत्री जी, होम मिनिस्टर भी होते हैं। फिर से जब आदि का स्पीच होता है स्टेज में, आदि के ईयर पीस में आयन बोल देता है, बेटा आज तुझे जो बोलना है तू बोल, मैं तुझे कुछ गाइड नहीं करूंगा, तेरे मन में जो आता है तू रख सकता है। और आदि आज कुछ नहीं बोलता, पहले तो थोड़ी देर तक वो चुप रहता है, बाद में वो बोलता है, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, जीनियस असलियत में मेरे पापा है।
जिसने मुझे जीनियस बनाया है। और इस बात पे मानो सारे लोग ताली दे के ये बोलते हैं, ये बच्चा कितना हम्बल है। ये सब कुछ सुनने के बाद मानो आयन के माइंड में कुछ होता है। उसे लगता है कि सब लोग उसके लिए तालियां मार रहे हैं क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज मिला सबके थ्रू, जो कि आज तक उसे नहीं मिला। फिर कुछ टाइम बाद हम उन तीनों को एक गाँव में देखते हैं। वो लोग शहर से बहुत दूर चले गए थे। पूजा आयन से बोलती है कि आदि का नंबर और बेटर हुआ है, उसको 55% मार्क्स मिला है, तेरा क्या बोलना है, तू अगर कुछ बोलेगा वो और मेहनत करेगा, तू अगर तेरे बेटे कुछ समझाता है वो समझ जाता है। फिर हम देखते हैं आयन मुड़ता है और बोलता है, मैं ना समझ लोगों से उतना बात नहीं करता, मुझे मेरे हालात में छोड़ दो। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। हम बहुत मेहनत से बहुत डिटेल से आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो को देखते इसलिए लाइक कर दिया करिए, हमको सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में और एक मूवी का नाम छोड़ दीजिए जिसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखना चाहते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।